हेलो, वेलकम बैक द टॉप. वी विल डिस्कस टू टॉपिक ओवर हियर. फर्स्ट इज चाइल्ड लेबर एंड सेकेंड इज चाइल्ड मैरिज. राइट, चाइल्ड लेबर पहले तो ये देख लेते हैं. चाइल्ड लेबर ये क्या है ना, 14 ईयर्स, लेस देन 14 ईयर्स. ठीक है, लेस देन 14 ईयर्स अगर कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है जो 14 ईयर्स से कम का है ना, लेस देन 14 ईयर्स है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, है ना. अगर उसको, सॉरी, कोई 14 लेस देन 14 ईयर्स है और उसको फोर्स किया गया है टू वर्क एज अ लेबर, वो हमारा चाइल्ड लेबर है ना. अगर वो वॉलेंटरली अपनी सर्विसेज दे रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. बट इन केस अगर उसको फोर्स किया गया है टू वर्क एज अ लेबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चाइल्ड लेबर हम उसको बोलेंगे. राइट, 14 ईयर्स से कम का अगर वो है तो वो चाइल्ड लेबर है. 14 प्लस है तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का या पार्ट टाइम काम जो है वो कर सकता है. राइट, अब ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है ये डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 39. इट्स अ डीपी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीआरएस, जो हमने पढ़े थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 39 जो है उसमें आता है. और ये स्टेट को गाइडलाइन है ना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो चाइल्ड है वो फोर्स ना किया जाए टू वर्क एज अ लेबर. राइट, सो ये था हमारा चाइल्ड लेबर. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, चाइल्ड मैरिज. अब इन अ जनरल पैरेलल्स, इन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वी ऑल नो वॉट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज, है ना. वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. राइट, चाइल्ड मैरिज हम सबको पता है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ लीगल पॉइंट क्या है. राइट, वॉट आर द लीगल पॉइंट्स इन केस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये हमारा मेन एम है इस डिस्कशन का. राइट, इस लेक्चर का, कि चाइल्ड मैरिज में लीगल पॉइंट्स क्या हैं. तो फर्स्टली तो हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. सो हमको पता है 18 इयर्स, है ना, एनी गर्ल, इन केस ऑफ अ गर्ल 18 इयर्स, और इन केस ऑफ बॉय 21 ईयर का एज लिमिट है. इनसे, इन दोनों एज लिमिट से अगर नीचे हैं गर्ल या बॉय और उनकी शादी हुई है तो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज. ठीक है, अब इस टाइप की जो मैरिज होती हैं, चाइल्ड मैरिजेस के लिए हमारे पास लॉ है चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1929. ये पहले था, है ना, दो लॉज हो चुके हैं. ये पहला वाला है चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1929 जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता था. ठीक है, अब चाइल्ड मैरिज इंडिया में क्या है कि एक टाइप से ये कह सकते हैं कि ये लॉ जो है ये होने के बाद भी इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती हैं, हमको सुनने में आता है, है ना. इन केस, इन जनरली रूरल एरियाज में चाइल्ड मैरिज ज़्यादा परफॉर्म होती हैं. ठीक है, अर्बन एरियाज में इतना नहीं है. चाहे जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, वहाँ चाइल्ड मैरिज देखने को ज़्यादा मिलती हैं. सो हमारे पास ये चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1929, इसलिए हम देखते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर अक्षय तृतीया नाम का एक फेस्टिवल होता है, उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज जो है परफॉर्म होती हैं, यानी बहुत अर्ली एज में, है ना, बहुत कम एज में जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनकी शादियां कर दी जाती हैं, बहुत कम एज में, है ना. अब तो ये चीज़ें कम हो गई हैं बट पहले बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि लॉ होने के बाद भी ये लॉ जो है वो कंटिन्यूसली वायलेट हो रहा है. चाइल्ड मैरिज फिर भी इंडिया में अभी भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं. उसका रीज़न है कि चाइल्ड मैरिज को रिलीजियस ट्रेडिशन के तौर पर कंसिडर करते हैं, है ना. पीपल कंसिडर इज एट एज अ रिलीजियस ट्रेडिशन, है ना, उन्होंने रिलीजियस ट्रेडिशन इसको कंसिडर करके रखा हुआ है. दैट इज़ वाई चाइल्ड मैरिज अभी भी हमें देखने को मिलती हैं. अब चाइल्ड मैरिज से प्रॉब्लम क्या है, इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं. ठीक है, जैसे कि जो गर्ल होती है, ठीक है, जो गर्ल है उसकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, और अर्ली प्रेगनेंसीज, ठीक है, कुछ होने की वजह से उसको जो हेल्थ लॉस होता है एक गर्ल चाइल्ड को, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम उससे रिकवर नहीं कर पाती है. ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी, और दूसरा है एजुकेशन, सेकेंड इज एजुकेशन. जो इन केस अगर एक गर्ल है, बिल्कुल सिंपल है इसको समझना, 18 ईयर से कोई गर्ल, किसी एक गर्ल की एज 18 ईयर से कम है, या किसी बॉय की भी एज जो है वो 21 ईयर से कम है, तो वो एजुकेटेड तो हो गई, इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने बच्चों को भी अच्छे तरह से एजुकेट कर पाए. तो इसका इफेक्ट जो है वो एजुकेशन पे भी पड़ता है और चाइल्ड के एजुकेशन पे भी पड़ता है. ठीक है, तो एक तो गर्ल की हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं. हेल्थ भी अफेक्ट होती है और एजुकेशन भी अफेक्ट होता है, इवन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. राइट, अब क्या है, जो लीगल पॉइंट की हमने बात किया था इसमें, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रोहिबिट तो थी, बट अगर सपोज दैट परफॉर्म्ड हो गई, ठीक है,
इज अगेंस्ट द लॉ बट द मैरिज इटसेल्फ इज वैलिड वंस परफॉर्म्ड। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस लॉ का कि उसको वैलिड ही कंसिडर करते थे। ठीक है, उसको वैलिड ही कंसिडर किया जाता था, यानी अगर एक बार हो गई तो हो गई, फिर भाई चलो हो गई कोई बात नहीं। ठीक है, अब उस पर जो पेनल प्रोविजंस थे वो भी बहुत कम थे, सिर्फ 3 महीने की सजा थी, है ना, प्रिजन ऑफ 3 मंथ्स एंड एक छोटा सा फाइन था विच वॉज ऑल्सो इनएड्यूकेट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के केस में सिर्फ 3 मंथ्स का पेनल प्रोविजन था और जो फाइन था वो भी एक टाइप से इनएड्यूकेट था, बहुत नॉर्मल फाइन था। ठीक है, इसलिए उस पर किसी भी टाइप से गवर्नमेंट कुछ क्या नहीं लगा पाया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाया और चाइल्ड मैरिज इंडिया में फिर भी होती रही। अब बहुत कम हो रही है, लेकिन आज से अगर हम 10 ईयर्स बैक सिचुएशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी और इवन अभी भी मिलती हैं कुछ क्या बोलना चाहिए, जो अपने बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर हमें चाइल्ड मैरिज अभी भी देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, फिर रिट पिटीशंस लगना चालू हुई इंडिया में, फिर धीरे धीरे एजुकेशन इम्प्रूव हुआ एंड आफ्टर दैट एक नया लॉ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेम किया इन 2006। ठीक है, इसमें क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, रिस्ट्रेंट एक्ट, सॉरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये आया 2007 में। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो पेनल प्रोविजन, जो लीगल पॉइंट की हमने बात करा था, पेनल प्रोविजन थोड़े से क्या हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए। राइट, अब यहां पर क्या होगा, पहली बात तो ये अथॉरिटीज जो है, फिगर्स प्रिवेंशन मैरिज, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहला जो लीगल पॉइंट आया निकल के वो ये था कि माइनर्स के पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन फॉर वायलेटिंग देयर मैरिज, यानी अब वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो वैलिड, जो मैरिज को वैलिड ही कंसिडर किया जाता था उसको वो क्या कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं, यानी उस मैरिज जो पहले हो चुकी है जो मैरिज उसको वो कैंसिल यानी इनवैलिड कर सकते हैं, वैलिड मैरिज को नाउ दे हैव ऑप्शन टू इनवैलिड इट, राइट, या वॉइड कर सकते हैं वो उस मैरिज को, यानी वो उस मैरिज को खत्म कर सकते हैं जो उनकी एज अ चाइल्ड हो गई थी। ठीक है, तो दोनों के पास ये ऑप्शन है, गर्ल के पास भी है और बॉय के पास भी है, दोनों माइनस के पास है, वो इसको वॉइड भी कर सकते हैं और या फिर वो इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड या पोस्टपोन भी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स और फॉर देयर एडल्टहुड, है ना, टिल देयर दे गेन देयर एडल्टहुड। नाउ तो एक तो ये चीज़ आ गई, दूसरा ये आया इसमें, ठीक है, जो पेनाल्टी, एक चीज़ जो अच्छा एक सेकेंड, इनसे जो अगर चाइल्ड हो जाता है, सपोज दैट कोई मैरिज हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया, बट उससे अगर कोई चाइल्ड, है ना, कोई चाइल्ड आ जाता है ना, कोई चिल्ड्रन बोर्न हो जाता है, जो चिल्ड्रन रहेंगे, चिल्ड्रन बोर्न, वो क्या रहेंगे, लेगिटिमेट रहेंगे, यानी वो वैलिड रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको तो इलेगिटिमेट चाइल्ड बोल ही नहीं सकते, लेगिटिमेट चाइल्ड ही रहेंगे। ठीक है, और उनकी प्रॉपरली कस्टडी भी दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट टू आइदर मदर और फादर, राइट। इसके बाद क्या हुआ, जो पैनल प्रोविजन थे लीगल पॉइंट की हम बात कर रहे थे, फर्स्टली क्या था, 3 मंथ्स प्रिजन था, अब वो प्रिजन कितना हो गया, 2 ईयर्स। ठीक है, इस लॉ के आने के बाद ये जो प्रिजन था ये 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ, ठीक है, फर्दर सम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इस लॉ के आने से और थोड़ा इफेक्ट हुआ और चाइल्ड मैरिज पे रिस्ट्रिक्शंस एक तरीके से लगने लग गई। ठीक है, अब तो बहुत कम होती हैं, वैसे ऑटोमेटिकली कम हो रही हैं बिकॉज नाउ द एजुकेशन जो हमारा रेट है ना, लिटरेसी रेट है, वो इंक्रीज होता गया और चाइल्ड मैरिज अपने आप कम होती गई, बट अभी भी जहाँ होती है वहाँ ये जो स्ट्रिक्ट लॉ हमारे हैं उनकी वजह से चाइल्ड मैरिज में प्रोहिबिशन अब धीरे धीरे होने लगा है, राइट। अब पुलिस भी क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है ऑन अ ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, राइट। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की, है ना, कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स चला रखी हैं, 1994 से चल रही हैं, वैसे तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह चला रखी हैं, जो गर्ल चाइल्ड है उसको कुछ पैसा भी मिलता है ना, और अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स उसको ये जो कुछ एक सर्टेन अमाउंट है वो उसके अकाउंट में भी सबमिट होता है, और जब वो 18 ईयर यानी जब वो मेजर हो जाती है तब उसको ये पैसा भी रिटर्न हो जाता है, और कंडीशन ये रहती है कि वो अनमैरिड हो। ठीक है, कंडीशन ये रहता है कि शी इज़ नॉट मैरिड, है ना। तो ये एक टाइप से इंसेंटिव स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो गर्ल ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हैं, है ना, लोग अपनी बच्चियों की या लड़कियों की शादी ना करें और उन्हें प्रॉपर एजुकेट भी करें और उनको प्रॉपर उस एज में भी एंटर करने दें। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो इट वॉज आर टॉपिक चाइल्ड मैरिज। ठीक है, और इसमें जो लीगल पॉइंट है वो आपको थोड़े से ध्यान में अगर आप रख सकें तो दैट इज़ गुड फॉर यू, लीगल पॉइंट पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज तो हमें पता ही है, लीगल पॉइंट इसमें था कि पहले 3 महीने की सजा थी, अब 2 ईयर्स का
इसमें प्रिजन है एंड इवन पुलिस कैन अरेस्ट ऑन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, राइट। एंड सेकेंड, ये अपनी मैरिज को क्या कर सकते हैं, इनवैलिड भी कर सकते हैं। जिनकी शादी हुई थी वो अपनी मैरिज को इनवैलिड या फिर वॉइड जो है वो कर सकते हैं, इट्स देयर ऑन चॉइस, राइट। सो इट वॉज अवर टॉपिक, वील मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। थैंक यू सो मच।